अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आप बताना। और हाँ, अभी इससे पूछना क्या बना रही है। मैं जॉब से अभी आया, पता नहीं इसने क्या बनाई क्या नहीं बनाई। ये भी जॉब से वैसे अभी इसको आके 2 घंटा और है। मेरे को अभी जस्ट अभी आया, मैं आधा घंटा पहले ही आके नहा धो के जस्ट तैयार होकर बैठा हूँ अभी। तो अभी भूख बहुत लग रही है, तभी ये नाश्ता बनाई। शाम हो रहा है वैसे तो अभी शाम का नाश्ता पता नहीं क्या बना रही हूँ। शाम का नाश्ता वैसे भी चाय बना रही हूँ। चाय बना रही, चाय चाय और बना रही हूँ उसके साथ। देखो अभी है रखा है दो तीन चीजें जो खाना चाय खा रही रखा है क्या जो मैं खाता हूँ? चाय खा रही भी है। हाँ बस अपना भी काम हो गया, चाय खा रही है ना, बस ठीक है। हाँ। चलो फिर अच्छा है। क्या कर रही अभी? चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, जॉब पे है। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत भूख लगी है। अभी जॉब से आने के बाद तो और भूख लगती रहती है। अभी चाय बनाऊंगी और खा रही रखी है, टोस्ट भी रखा है, खा रही है टोस्ट और बन मस्का भी रखा है वो भी। तो जो खाना है तो भी खा लेंगे। और आज मैं ना बहुत देर से मेरा चिकन स्टू खाने का दिल हो रहा था, तो ये देखो गोश्त भी निकाल दे, मैगनेट करके मैं रख देती हूँ गोश्त को। तो अब ये इतना है तो मतलब एक जन के लिए है, दो जन नहीं, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती ज़्यादा। मैंने आप लोगों को बताया वैसे ज़्यादा खाती मैं, लेकिन अगर स्टू खाऊँ बनाऊँगी तो उसके जो ग्रेवी है वो अच्छी लगेगी, चिकन नहीं खाऊंगी। तो इतना चिकन इनके लिए है सिर्फ। तो ये चिकन भी रंग निकाल के रख दिया, फ्रीजर के अंदर था तो बर्फ हो गया, वो दूध गर्म हो रहा है। चाय के लिए हमने पानी भी ले लिया है। और अभी मैं ये चाय चढ़ा देती हूँ, बहुत जरूरी है। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, लेकिन मेरे को बिल्कुल ज्यादा भूख लगी है। अभी जॉब से आने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है, तुम्हें तो पता है ना वैसे तो। इसलिए तो चाय बनाई ना। हाँ चाय खा रही, बनाओ मस्त। चाय बना लूंगी तो थोड़ा पेट में रहेगा नान के जरा, तो आफत नहीं करेंगे भूख लगी। वो इसका स्टू बनने पता नहीं कब टाइम कितना टाइम जाता है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जाएगा। स्टू बनाऊंगी तो वो भी बताती हूँ। स्टू का मतलब है क्या वो तो बताओ। स्टू का मतलब होता है चिकन का, जो चिकन की मतलब सना नहीं होता है चिकन का स्टू, मतलब उसमें ना कांदा ज्यादा होता है, टमाटर कांदा टमाटर का फ्लेवर आता है, टमाटो का फ्लेवर आता है। चलो भाई स्टू भी चेक कर ले और खड़े मसाले का सारा। वैसे ये कहाँ की डिश है जो तुम बता रही हो स्टू? ये लखनऊ की आई थिंक। भाई लखनऊ की नहीं, तुम्हारे गांव की शहदपुर की है। नहीं नहीं मुरादाबाद। मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद अभी सॉरी मुरादाबाद होता है वो, पागल कुछ भी बोल रही है। मुरादाबाद को मुर्दा नहीं नहीं है, सब जगह बनती है इसको, दो प्याजा बोलते हैं। अच्छा अच्छा दो प्याजा भाई सब जगह, तुम्हारे घर भी बनती है तो कमेंट कर लो भाई, बनती है करके हमारे घर पे भी। हाँ ठीक है बनाओ भाई फटाफट, जो भी बना रही बनाओ, बहुत भूख लग रही है अभी तो। वैसे तो देखा ये गर्म हुई खारी और पानी भी निकाली मैंने, चाय भी तो कितनी अच्छी लग रही चाय ना, माशाल्लाह। ये बताओ क्यों इतनी इनकी चाय, क्योंकि दूध ज्यादा और चाय कम। लेकिन तो पता है आप लोग को, चाय जो होती है ना अक्सर लोग क्या करते हैं, काली चाय जो होती है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है और दूध कम होता है। मैं उसको उल्टा हिसाब करता हूँ, दूध ज्यादा क्वांटिटी और चाय थोड़ी कम दम, तो उसमें मजा अलग आता है दूध वाली चाय बेसिकली। मतलब दूध ज्यादा रहता है तो, लेकिन मुझे ना खाली चाय ज्यादा दूध कम, इंग्लिश आया ना तो ज्यादा इनका शौक हो गया। तो क्या हुआ, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है मुझे भी। और देखो कितना मस्त, ये देखो खा रही कुर्रम, खा रही कुर्रम, वो गरम करेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है कुर्रम कुर्रम। हमने गरम करी करके अच्छी लग रही है, खा रही अरे बहुत अच्छी लगती है। हाँ और ये खा रही मस्का, खा रही मस्का, खा रही है। देखो चाय तो, देखो गाइस चाय तो ऐसा लग रहा है ना जल्दी से मैं फटाफट पी लूं। लाओ फिर कैमरा रखो फिर मोबाइल, फिर सब बैठ के खा लेंगे। हाँ चलो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो अकेले अकेले खा रही है सिर्फ और कुछ नहीं। खत्म कर दूंगा जल्दी जल्दी आओ फिर। हाँ हाँ चलो 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 चलो। देखो मैं कांदा बन निकाली थी एक खाना बनाने के लिए, जैसे कि इसमें ना कीड़े पड़ गए। तो गाइस कभी भी कोई चीज़ बनाओगे तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखना। ये मैंने कांदा ली थी, ज़्यादा कांदा लेना भी अच्छा नहीं है शायद से, ये सड़ गया है और ये सड़ गया तो उसमें कीड़े पड़ गए, दिख रहे होंगे। देखो कीड़ा कैमरे में दिखाओ ना, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, देखो बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे हैं ये इतने सारे हैं। ये मैंने जैसे ही निकाला ना, तो मैं हमेशा दो अपन चीज़ देख के ही खाते हैं वैसे तो, ये मैंने देखा तो, बट मैंने बोला ये इसमें बिल क्या हो रहा है। मैं बोला ओह शिट, इसमें तो बाप रे बाप बहुत कीड़े हैं इसके अंदर। हाँ ध्यान से कभी भी कांदा लेते हो तो ध्यान से लिया करो, गिल्ले हाँ। कांदे मत लिया करो, जात लगे। गिल्ले नहीं था वो, रखने के बाद शायद आई थिंक उसके ऊपर ऊपर कांदा भी होता है तो खराब हो जाते हैं। तो ये इस पे देखो ना कीड़े बहुत ज्यादा हो गए, बंदा क्या खाना अभी तक के बाकी, भूख लग रही है यार बहुत ज्यादा। लाओ बताओ क्या बनाई, बन गया ना? अरे वाह अच्छा ग्रेवी लग रहा है। हाँ तो ये ऐसी रहेगा, भुना है पूरा। हाँ पूरा भुना ऐसी रहेगा, ये सही है, खड़े मसाले देखो अच्छा तो लग रहा है देखने में। देखो तुम्हारे वो भी लाइक दिस, वेरी गुड।
खाता हूँ ना मैं। बन गया, चावल भी गर्म हो गए। खिचड़ी थी? खिचड़ी हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, फटाफट दो में गुलाबी। ठीक है चलो दोस्तों खाने। अभी ये देखो खाना रेडी हो गया है, इनको बहुत भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। और हाँ बहुत ज्यादा, देखो गरम गरम धुआं भी निकल रहा है। और हमारे यहाँ पे सालन बने कुछ, मैंने दाल जरूर बनती है, दाल तो जरूरी होना है। दाल हमारे घर पे अल्लाह का शुक्र है हमेशा बनती है, हमेशा दाल जरूरी है हमारे घर पे। हमेशा दो कैटेगरी के बनते हैं, एक सालन हो गया और एक दाल हो गई, दो चीज बनती है। और साथ में चावल लेते फिर रोटी वगैरह रात के टाइम पे। तो चलिए फिर खाना खाने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा भूख लगी मेरे को तो ऐसी भी। ठीक है मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये रहा हमारा स्टोव, ये देख रहे हो आप स्टोव, इसको स्टोव बोलते पता नहीं क्या, चिकन स्टोव। बड़ा अच्छा ही होगा, जो ज्यादा लगी मेरी वाइफ अच्छा बनाती माशाल्लाह। चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज, ठीक है बाय।